लाइन में जाओ, शिक्षा को भेजो, उसको साले चल के हड़काओ चल के। अभी कौन है वो, किसने पैकेज दिया है, क्या हुआ है, क्या हुआ भाई, लेंटर का करा नहीं है, क्या करा नहीं है, जाओ जाओ जाओ। हेलो, आपका नाम क्या है? हाँ, अभीश। चलिए, कहाँ से हो आप? एमपी से। चलो बढ़िया, आपको ब्लॉग आएगा देखना, इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। फाइनली अब हम लोग आ गए हैं जेट स्की राइड और पैरासेलिंग करने, सब लोग करेंगे। तो ये है उधर, अभी जेट स्की जा रही है, पैरासेलिंग की लाइन उधर लगी है, शिक्षा कोसी खड़ी हो गई है। बाकी अभी दो लोग इधर कंप्लीट कर लेंगे, फिर शिक्षा कोसी कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। और ठीक है, बढ़िया मौसम है, सुबह स्विमिंग पूल गया था, आराम से नहाया, यहाँ आ गए हैं, ये देखो सही लग रहा है मौसम। और ये गई मम्मी, ओ भाई गजब लहर में गई है। Yeah.
गया है पैरासेलिंग, आप चेक कर रहे हैं, देखो फीडर बोट आ गई है, कॉस्टली है यहाँ पे सब कुछ यार। चलो भाई फाइनली अभी हम लोग ने जेट स्की करी थी और साथ में क्या बोलते हैं पैरासेलिंग करी थी। तो पहले तो यहाँ थोड़ा धोखाबाजी हो गई हम लोग के साथ, ये जो दिख रहा है काउंटर यहाँ से आप लोग बुक करना जो बीच साइड में 1500 में देगा आपको, जेट स्की रहेगा, पैरासेलिंग रहेगा और स्पीड बोट तो रहता ही रहता है। तो उसमें क्या है वो 2-3 मिनट, पैरासेलिंग लगभग 2 मिनट रहती है और जेट स्की थोड़ा अंदर तक ले जाएगा। बाहर से अगर कर लोगे मेन रोड से जो हम लोगों ने किया वो 1000 रुपये तो लिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि 1 ही मिनट जेट स्की होगी खाली। जेट स्की तो बहुत छोटी, बस पास तक ऐसे घुमाया, 1 राउंड दिया आ गया और उसके बाद वहाँ अंदर पैरासेलिंग में गए तो पैरासेलिंग ये था कि बस उड़ा देगा और लाके छोड़ देगा मात्र 30 सेकंड। तो फिर एक्स्ट्रा 300 रुपये दिए पर हेड सब ने, हम लोगों ने पर हेड 5 लोग थे, 300 रुपये पर हेड पड़ा। तब हम लोग का लगभग 2 मिनट या 3 मिनट इतना लंबा गया, उसमें डिप भी था, सी में डिप कर देते हैं। तो ये था, सबसे बेटर यही रहेगा आप लोग यहीं से लो सीधे 1500 का टिकट, गवर्नमेंट वाला जो है काउंटर जो बना है पीछे वो बेस्ट है। बाकी कुछ व्यू है आपको दिखाते हैं अभी आगे। ये तो देखो कुछ बेल्जियन वफल आए हैं, दोस्तों को पता है नहीं, पता चला टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग आ गए हैं डिनर करने। एक होटल के बगल में रेस्टोरेंट है, सब लोग आए हैं यहाँ, आज हम प्रॉन्स ट्राई करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है एम्बियंस देखो तो आए, लाइटिंग कम है बट ठीक लग रहा है। खाना देखते हैं कैसा है, थाली ऑर्डर करिए, प्रॉन किया है और चिकन है मॉकटेल्स, लेट्स सी कैसा रहता है बताएंगे आपको। भी सही है, प्रॉन्स तो गजब है, प्रॉन्स ही करो, बढ़िया बढ़िया प्रॉन्स करो। सॉल्ट एंड पेपर, अभी हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए थे, डिनर किया था, डिनर अच्छा था काफ़ी, प्रॉन्स बढ़िया थे, बाकी अदर थाली ली थी, थाली अच्छी थी, काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट, आज अच्छा कोजी प्लेस है। ये मेन्यू है आज, ये सब था, सी फूड प्लेटर इधर है, बढ़िया था, तंदूरी रोटी के साथ मस्त प्रॉन्स है भाई साहब, इतने बड़े बड़े प्रॉन्स थे, मज़ा आ गई थी। जो मन कर रहा था क्रैब मैंने ट्राई कर लिया था, प्रॉन रहा था, प्रॉन खा लिया था, पॉम्पलेट भी खा ली, मतलब मेन मेन चीज़ जो खा सकते थे खा लिया, बाकी अब देखो अगर कुछ नया मिल जाएगा तो वो भी अगर हिम्मत होगी तो ट्राई करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे आज आखिरी नाइट है, कल सुबह निकलना है हम लोग को ऑलरेडी, तो आ रहे हैं सब लोग, चलो भाई चला जाए। और इसमें गए थे सूखो थाई में पूछने में, मन तो हुआ था इस पा करा लूँ मैं,
बट अभी तो फिलहाल नहीं हो पाया है प्लान, देखते हैं क्या होता है। एंड सो फाइनली वी आर हेयर एट कोको बीच। कोको बीच आए हैं, यहाँ फेमस है डॉल्फिन्स के लिए। देखते हैं डॉल्फिन्स दिख पाएगी कि नहीं दिख पाएगी। बोल तो रहे हैं ड्राइवर भैया हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ मिल जाएगा। रेमन नाम है भैया का। और यहाँ देखो इन लोग की शॉपिंग तुरंत शुरू हो जाती है। हम मत ले चलो, चलो ऐसे ही चलो। पांच लोग हैं, क्या है टिकट? 1750। वो चार मार कितना टाइम लगता है? 45 मिनट। सो ये टिकट प्राइस है 350 पर हेड है। कोको बीच, कोको बीच में इसमें क्या है आपका? डॉल्फिन्स दिखेंगे, मिलोनियर पैलेस, सेंट्रल जेल, लाइट हाउस और फोर्ट अगोड़ा, ये सब शो करेंगे। 45 मिनट्स टू 1 आवर ट्रिप है, ठीक है। लाइफ जैकेट कंपलसरी है, कैमरे का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं। ये वाली, ये वाली, हाँ। यहाँ पे सैंड नहीं है, बालू है, बालू। हम लोग बोट पे चढ़ रहे हैं। अगोड़ा फोर्ट है, अगोड़ा फोर्ट है वो, और वो पुराना लाइट हाउस है वाइट वाला, और उसका नया वाला, एक ही लाइट हाउस है पूरा गोवा। ये सेंट्रल जेल है जो कि अब बंद हो चुका है, और कहा जाता है अंडरग्राउंड बना हुआ है पूरा। अभी म्यूजियम है, क्या कैदियों के भी मजे थे भाई सी बीच पे। सेंट्रल जेल भी एक दो भैया। सो फाइनली अभी डॉल्फिन देखकर आ गए हैं। डॉल्फिन देखा और सेंट्रल जेल देखा और मेरिलियन पैलेस देखा, उसको 50 देखा। फिलहाल अब काजू कुल्फी खा रहे हैं, रॉ काजू की है, बहुत टेस्टी है भाई साहब, कुल्फी जरूर खाना है। 30 रुपीज़ की है, जेन गुड है, यहाँ से मिली मुझे।
भी आने दी। तो फाइनली अब हम लोग एक चर्च आ गए हैं। काफ़ी मूवीज़ में ये चर्च देखा गया है, धमाल हो गया, जोश हो गया। ये वाइट चर्च है, देखो दिख रहा है, बढ़िया। आगे आते हैं, G20 लगा है यहाँ पे। देखिए भाई सब ऊपर जाके चर्च में क्या क्या है, कुछ तो बढ़िया है। सो यहाँ पे बंद है, नो एंट्री, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा मैं भी फोटोज में आ जाऊंगा कई लोगों की। चलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी क्लोज्ड है। बस मॉन्यूमेंट टाइप्स हैं, मूवीज़ की शूटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर तो है। धूप बहुत तेज है भाई साहब आज। अब हम लोग आ गए, क्या नाम है इसका जगह का, क्या जगह का नाम क्या है? फाउंटेन आर्स। ओके, देखो नो फोटोज लिखा हुआ है हर जगह। बस रंग बिरंगे पेंट वाले घर ही तो हैं यहाँ पे, इतना हाइप्ड क्यों है ये? तो नाम वाला है इसमें लिखा है फाउंटेन। What is this man? इसमें क्या स्पेशलिटी है भाई? बस ठीक है, एम्बियंस है अच्छा अच्छा। आधे पे तो लिखा है नो फोटोज लेनी है, नो फोटोग्राफ्स। तो उसमें आदमी क्या ले, बाकी ये है देखो छोटा मोटा व्यू आपको दिखा देते हैं। एक सिंपल सी वॉक है बस, अलग अलग पेंट के घर हैं थोड़े से। माइल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, चलता हूँ वापस, ऐसा कुछ है। उधर मेन रोड है, मुझे लग रहा है एक कॉलोनी है बस, एक छोटी सी, क्योंकि उधर भी सिंपल ही है। वो देखो घर कैसा है, खंडर टाइप का, इधर भी ख़त्म हो गया। बस ये एक छोटी सी लाइन है जिसमें लोगों ने पेंट कर लिया है। वो देखो भाई साहब ने हेलमेट पहन के फ़ोटो खिंचवा ली, ये भी सही है यार। एंड सो फाइनली हम लोग ये ओल्ड गोवा में जो चर्च है मशहूर, यहाँ पे आए थे। बट जैसा कि आप देख सकते, दिखाता हूँ भीड़, देखो आप, वहाँ से लाइन शुरू है, वो एंट्री है, ये 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 गई,
फिर उधर गई वहाँ पे अभी ख़त्म हुई है उस गेट पे। तो ये हुआ कि भाई लाइन में खड़े होने से बढ़िया चुपचाप यहाँ से निकल लो, खाना खा के निकले, वरना अगर उस लाइन में खड़े हुए हैं तो इस धूप में वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में खुद मम्मी बन जाएंगे। और यहाँ पे हाँ मम्मी देखने आए हैं ये सब लोग, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी रखी हुई है, बताते हैं 400-500 रन पुराने। तो खैर अब बस तो बचा नहीं है, दम तो है नहीं भाई धूप में खड़े होने की, निकलते हैं। और टाइम हो रहा है कितना, 1:42 हो रहा है और एयरपोर्ट भी पहुँचना है, 6 बजे की फ़्लाइट है तो 3 बजे तक पहुँच जाए 3 घंटा पहले, तो चेक इन करने में भी टाइम लगेगा। चलिए बताते हैं आगे, बाय बाय। और हाँ ये मैं वीडियो ये जो है ये मैं उससे बना रहा हूँ, फ़ोन से, सैमसंग से, क्योंकि जो मेरा एक्शन कैमरा का मेमोरी कार्ड है 256 GB का था, पूरा फुल हो गया भाई साहब चार दिन में पूरा फुल हो गया है। और मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं जो मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। खैर ठीक है, लास्ट की ट्रिप है, इससे बना लूँगा। बाकी देखिए अब इसके बाद सीधे एयरपोर्ट ही निकलेंगे हम लोग, ये लास्ट था हमारा। और ये सब लोग हैं यहाँ पे, देखो आए बोलो आए 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 थक गए सब लोग, बैठते बैठते रत्ना सागर फैमिली डिलाइट में आ गए। सागर रत्ना में हम लोग बैठे हैं इस वक्त, भीड़ का हाल और हालत देख ही रहे हो कैसे हो गई है, बिल्कुल दयनीय स्थिति हो गई है इस गर्मी में। 2:28 हो गया यार, सुनसान है एयरपोर्ट। सो फाइनली अब हम लोग बोर्ड करने जा रहे हैं वो इंडिगो फ्लाइट। हाँ नाइस, डिडंट सॉ दैट। गेट नंबर 6 है, इधर जाना है। टी 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 आई थिंक ये होगी फ्लाइट अपनी लखनऊ। वी फाइनली लैंडेड इन लखनऊ एयरपोर्ट। बैगेज हैं, अपना बैगेज दिया जाएगा। अब देखो सब ऊपर ही बैठे जा रहे हैं, ये देखो जाओ। चलो कुछ होगा नहीं, वापस ऐसे घूमते रहोगे बैठ जाओगे तो मस्त, नीचे नहीं जाएगी। सो ट्रिप अच्छी थी, 2 घंटे में कब आ गए, 8:51 हो रहा है, 8:51 एंड वी लैंडेड। देखो मेरा कैमरा तो ऑफ हो गया है। मिलते हैं आगे। फाइनली घर आ गए विदू, ये वेट कर रहा था अपना कहा घूम रहे हो तुम है? देखे दौड़ रहा है। बैक टू होम, व्लॉग का एंड हो गया, गोया रिटर्न, गोया शैतानी हो रही। देखो ये घर पे ये शैतानी आ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। गोया 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 फाइनली घर आ गए, बाय बाय, मिलते हैं, दिखाएंगे आपको वीडियोस अच्छे, ठीक है बाय। ये देखो रो रहा है, ये देखो शैतान लड़का। हाय करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे शानवी को। हाँ ये देखो
क्या तो मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ। देखें, ट्राई करें, ब्लॉग बनाऊंगा और क्या, आप ब्लॉग बनाइए, मैं भी।